आई बिलीव आपने ये टर्म तो जरूर सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पेइंग स्किल डेटा साइंस के बारे में। अब आखिर डेटा साइंस होता क्या है, एक डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है और सैलरी रेंज कितनी होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डेटा साइंस होता क्या है। अब डेटा साइंस जो है ना, वो एक ऐसा फील्ड है जहां पर डेटा को यूज किया जाता है बिजनेस स्ट्रेटजीज को बनाने या फिर कह सकते हैं कि समझने के लिए। अब यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, अलग अलग पैटर्न्स और ट्रेंड्स को निकाला जाता है, फाइनलाइज किया जाता है, ताकि हम एक अच्छे और बेहतर डिसीजन की तरफ जा सकें। अब यहां पर एक डाउट हमारे दिमाग में और आ सकता है, लाइक इज इट रियली बूमिंग इंडस्ट्री, देन यस इट इज 101% अ बूमिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अराउंड द ग्लोब। मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स हैं, वहां पर डेटा साइंस को, डेटा साइंटिस्ट को रखना मैंडेटरी हो जाता है। हेल्थ केयर, ई कॉमर्स या फिर कोई सा भी बिजनेस सेक्टर क्यों ना हो, फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल, सभी में डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। और अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूँ ना, तो इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट आसानी से 10 से 20 लाख पर एनम हर एक साल के बड़ी ही आसानी से कमा सकता है। तो आई बिलीव मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। अब बात ये आती है कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें डेटा साइंस सीखना है, तो कैसे सीखें। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इस वीडियो के अंदर तीन प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों का एक कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सो द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज डेटा ट्रेंड, सेकंड वन इज ग्रेट लर्निंग एंड द थर्ड वन इज सिंपली लर्न। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म का जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है उसको हम देखने वाले हैं, उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा ट्रेंड के साथ। तो इनका जो प्रोग्राम है वो है पीजी प्रोग्राम इन डेटा साइंस मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क इन कोलेबोरेशन विद नासकॉम फ्यूचर स्किल प्राइम। अब यहाँ पर नासकॉम क्या है, नासकॉम इज एन अंडर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज इट कैन गिव यू अ वेरी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट विच विल बी यूजफुल इन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड। जाहिर सी बात है, यहाँ से जो सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको उसकी बहुत वैल्यू होगी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कोर्स फीचर्स देखते हैं। 6000 प्लस करियर ट्रांसफॉर्म्ड, बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ लाइव इंटर्नशिप, मतलब यहाँ पर 6 महीने की लाइव इंटर्नशिप मिलेगी, 12 महीने का ये प्रोग्राम है, रिकमेंडेड है 20 से 22 आर पर वीक। 3 नवंबर को नया बैच होने जा रहा है और 3 नवंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है और 400 प्लस हायरिंग पार्टनर्स, बहुत अच्छी बात है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, फीस की तरफ अगर हम जाएं तो फीस है यहाँ पर इनकी 1,60,000 रुपये। कुछ और की हाइलाइट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, 6 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 1-on-1 विद इंडस्ट्री मेंटर्स, 40+ प्रोजेक्ट एंड केस स्टडीज, बहुत अच्छा है। 360 डिग्री करियर सपोर्ट, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ करियर सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, जो कि हम देखते हैं अगर कुछ नीचे मेंशन है या नहीं। इंस्टेंट डाउट रिजोल्यूशन, आइडियल फॉर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है, दोनों के लिए ही रिकमेंडेड, दोनों के लिए ही बेस्ट है। 100% प्लेसमेंट गारंटी, ये मेरे ख्याल से बहुत यूनिक चीज है, कोई प्लेटफॉर्म अगर देता है आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। करियर प्रोग्राम मैनेजर, यूनिक स्पेशलाइजेशन, लाइव इंटर्नशिप ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, 12 मंथ पीजी प्रोग्राम है जो कि हमने देख ही लिया। स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा और, व्हाट इज डेटा साइंस मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बट आप अपने लेवल पर थोड़ा और रिसर्च करके देख सकते हो डेटा साइंस अगर क्या होता है क्या नहीं, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो। लैंग्वेजेज एंड टूल सपोर्ट, ये आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो आप देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं, डेटा साइंस कोर्स सिलेबस। अब जो सिलेबस है ना यार, माय डियर, देखो सीधी बात है, वैसे तो बहुत लेंथी है, बहुत ही लंबा है, तो आप अपने लेवल पर यहाँ पर डाउनलोड करके भी देख सकते हो और आई बिलीव यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। जितना मैंने रिव्यू किया, मुझे इनके करिकुलम में एक कमाल की चीज़ देखी कि ये लोग चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं अपने करिकुलम में, और इनके जो एल्गोरिदम है, ML एल्गोरिदम, मतलब मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम है, वो भी काफ़ी हद तक मॉडिफाइड है, ठीक है। चैट जीपीटी यहाँ पर इन्होंने ऊपर भी मेंशन किया बैनर में, ये देखो इन करिकुलम चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या होता है वो आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, यू आर स्मार्ट इनफ राइट, एंड आई बिलीव यू आर ऑलरेडी यूजिंग दिस।
चलो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आप अपने लेवल पर देख सकते हो। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो कि मैंने बताया दिया ऑलरेडी, 40 प्लस प्रोजेक्ट इन्होंने मेंशन किया है, ये रहा देखो। करियर सपोर्ट में इंटर्नशिप है, रिज्यूमे फीडबैक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको देखने को मिलेगी, और प्लेसमेंट की तो गारंटी ऑलरेडी दे ही रहे हैं। करियर इंपैक्ट, ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छा है, आप अपने लेवल पर भी देख सकते हो। वीडियो रिव्यूज़ भी हैं, बहुत अच्छा है। 66% एवरेज सैलरी हाइक मिलती है, अप टू 25 LPA हाइएस्ट सैलरी यहाँ तक अभी तक मिल चुकी है। 7K प्लस जॉब सोर्स्ड, मतलब 7000 से ज़्यादा बच्चों की ऑलरेडी जॉब लगवा चुके हैं, और हायरिंग पार्टनर ऑलरेडी हमने देखा 400 से ज़्यादा है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा, आप अपने लेवल पर देख सकते हो, आपको सिंपली फिल करना है फॉर्म, शॉर्टलिस्टेड कर, और उसके बाद रिसीव कॉल आएगा आपके पास, और आपको सीट को बुक करना है। ओके, फीस यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया, 1,60,000 प्लस GST। आई बिलीव दैट्स इट। कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे होते, दिमाग में चल रहे होते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी आंसर किए हैं, तो आप अपने लेवल पर देख सकते हो। ओके, इसके अलावा भी यहाँ पर आप, आई बिलीव यहाँ पर क्विक सपोर्ट का ऑप्शन है, VR Online यू कैन सी, तो इनके सपोर्ट से आप बात कर सकते हो, चैट पर भी और कॉल पर भी। चलो अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जो कि ग्रेट लर्निंग की तरफ से, बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ये भी आई बिलीव, या यू कैन सी, 12 मंथ का ही प्रोग्राम है। ओके, डाउनलोड ब्रोशर करके आप इनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करते हैं। 66% करियर ट्रांजेक्शन्स किए हैं इन्होंने, 3000 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स है, बहुत अच्छी बात है, और 55% एवरेज हाई सैलरी हाइक देखने को मिलता है। थाउजेंड्स ऑफ जॉब, चलो ये तो आई बिलीव जिन लोगों की जॉब लग चुकी है ऑलरेडी वही है। लर्न मोर अबाउट करियर ट्रांजेक्शन यू कैन सी हेयर, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। फीस का कहाँ पर है वो देखते हैं, स्क्रॉल डाउन, यार मार्केटिंग स्टफ ही दिख रहा है। सिलेबस यू कैन लुक अराउंड इट बाई योर सेल्फ, बिकॉज अदरवाइज वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, राइट। लैंग्वेजेज एंड टूल्स कवर्ड यू कैन सी हेयर। 100,000 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, बहुत अच्छी बात है, इन 22 प्लस डोमेन्स। ओके, डाउनलोड प्रोजेक्ट लिस्ट यू कैन सी। फैकल्टी एंड मेंटर्स यू कैन सी द लिस्ट हियर। इंडस्ट्री मेंटर्स फ्रॉम टॉप ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी द लिस्ट फ्रॉम। ओके, लर्नर टेस्टिमोनियल्स, कुछ फीडबैक्स, मतलब फीडबैक्स तो नहीं करेंगे, वो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, तो वो आप अपने देख सकते हो जिन्होंने यहाँ से ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया होगा। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑल रिव्यूज़ यू कैन सी हियर। लर्नर्स अचीवमेंट, यार अच्छा, फीस हमें देखने को मिल रही है, फीस है यहाँ पर 2,75,000, ओ माई गॉड, फीस है यहाँ पर 2,75,000 प्लस GST, और डेटा ट्रेंड का था आई बिलीव 1,60,000, तो यार दिन रात का अंतर है यहाँ पे तो फीस में। चलो कोई बात नहीं, जो है वो है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। बाकी यार मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा। एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब की हाइलाइट्स कुछ भी देखने को नहीं मिल रही, मतलब जॉब प्लेसमेंट गारंटी हो गया या इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गया, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। FAQs तो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप अपने लेवल पे और भी देख सकते हो। बाकी यार टू बी ऑनेस्ट कुछ भी खास देखने को मिल नहीं रहा अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग स्टफ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं किस, अच्छा हाँ, एक दो चीज़ें हमने मिस कर दी शायद, इनका कोलैबोरेशन देखते हैं वो किसके साथ है। इनका कोलैबोरेशन होगा आई बिलीव, हाँ ये देखो टॉप में लिखा हुआ ना, टेक्सस MCOMS, ये क्या है, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस एट ऑस्टिन, बेसिकली यूनिवर्सिटी है। चलो कोई बात नहीं, जो है वो है 12 महीने का ही PG प्रोग्राम है, मेक श्योर, और डेटा ट्रेंड का भी PG प्रोग्राम था जो कि 12 महीने का है। ओके, अब हम आ गए हैं सिंपली लर्न पे। सिंपली लर्न का जो कोर्स है, वो जो प्रोग्राम है, वो देखते हैं क्या है। डेटा साइंटिस्ट, सबसे पहले कोलैबोरेशन इन्होंने लिख रखा है बैनर पे, इन कोलैबोरेशन विद IBM, बट आई गेस ये IBM जो है, इनका कोलैबोरेशन तो हुआ है बट आई थिंक ये इनका स्पॉन्सर है, यू कैन सी सिल्वर बिजनेस पार्टनर, राइट। चलो जो है वो है, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, रेटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। कुछ की हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं, फीस 54,000 इंक्लूसिव टैक्सेस। अब ये जो 54,000 इन्होंने रखा है, ये माय डियर यहाँ पे देखो एक की पॉइंट बताता हूँ, जो सिंपली लर्न का जो प्रोग्राम है ना, ये कोई PG प्रोग्राम नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, PG प्रोग्राम नहीं है, ये एक बूट कैंप है, और बाकी दोनों प्लेटफॉर्म पे जो ये प्रोग्राम है, ये PG प्रोग्राम है, यू कैन सी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और यू कैन सी PG प्रोग्राम, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिंपली लर्न पर बूट कैंप है, बाकी दोनों पर PG प्रोग्राम है। चलो स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, सिलेबस यू कैन डाउनलोड हियर, बहुत सिंपल सा बटन है। चलो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं बाकी चीज़ें क्या है, हमें कुछ देखने को मिलता है या नहीं। FAQs आई थिंक ये, चलो ये तो आप अपने लेवल पर देख लोगे। टूल्स कवर्ड, डेटा साइंस सर्टिफिकेशन, लर्निंग पाथ, यहाँ पे भी सिलेबस है तो आप अपने लेवल पर देख सकते हो, एंड आई थिंक सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही हो गया, ये तो सर्टिफिकेशन का प्रीव्यू हो गया। स्टूडेंट्स रिव्यूज़, आप अपने लेवल पर रिव्यू कर लेना, ठीक है। वाई ऑनलाइन बूट कैंप, ये मार्केटिंग स्टफ है, यू कैन सी हियर। बाकी यार
रिलेटेड प्रोग्राम तो हमारे काम का नहीं है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल नहीं रही इन कंपैरिजन ऑफ डेटा ट्रेंड। यहाँ पर देखो जो चीज़ें एज ए स्टूडेंट आपको मिलेगी वो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर रखी है। मतलब अगर आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है मिलेगा, मतलब मिलेगा, यहाँ पर मेंशन है। 12 महीने का प्रोग्राम है, चलो वो तो बाकी जगह भी मेंशन है तो अच्छी बात है, बट इंटर्नशिप मायने रखती है। और साथ ही साथ जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा सपोर्ट जो होता है, करियर सपोर्ट कह सकते हैं, मतलब सपोर्ट क्या होता है यार, अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहा है या फिर किसी भी टाइप के प्रोग्राम में जा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, इंटरव्यूज किस तरह से देना है, रिज्यूमे किस तरह से लिखना है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है खुद को, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट में आता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और डेटा ट्रेंड के प्रोग्राम में ये सब आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे कमाल की बात, चैट जीपीटी, माय डियर चैट जीपीटी अलग ही चीज़ है। एआई टूल अगर आपको नहीं सीखने को मिल रहे अपने करिकुलम में तो यार मैं क्या ही बताऊँ, राइट। इसके अलावा रिव्यूज़ के बारे में अगर बात करें, हमने रिव्यूज़ ऑलरेडी देखे स्टूडेंट्स के, और मैंने अपने लेवल पर कोशिश की कि उन स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ, मतलब लिंक्डइन पर, जिन लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स से इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन किया है। तो सिंपली लर्न के स्टूडेंट्स का फीडबैक मेरे रिप्लाई आई मीन नहीं आया मेरे पास लिंक्डइन पर, ना ही ग्रेट लर्निंग के स्टूडेंट्स का आया। बट ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के ग्रेट डेटा ट्रेंड के, यहाँ के एक दो स्टूडेंट्स का रिप्लाई मेरे पास आया तो काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ही था कि हाँ इनको रियल में यहाँ से जो इन लोगों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया उसमें बेनिफिट रहा, फ़ायदा रहा। और ख़ास तौर से जो 100% प्लेसमेंट गारंटी है वो 101% जेन्युइन है। और जो इंटर्नशिप प्रोग्राम मिला ना, मतलब छः महीने की जो इंटर्नशिप थी वो गेम चेंजर थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इन द प्लेसमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कौन से प्लेटफॉर्म को पिक करना चाहिए, कौन से प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए? तो माय डियर मेरा सजेशन रहेगा आपको डेटा ट्रेंड के प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए। क्यों? देखो जो चीज़ें आपको मिल रही है एज ए स्टूडेंट वो इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है। स्टूडेंट सपोर्ट आपको मिलेगा, मतलब जो करियर सपोर्ट होता है वो देखने को मिलेगा, इंटर्नशिप यार, और उसके अलावा जो प्लेसमेंट गारंटी है वो दोनों प्लेटफॉर्म तो दे ही नहीं रहे। अगर दे रहे होते तो यहाँ पे मेंशन होता ये प्लेटफॉर्म डेटा ट्रेंड प्लेटफॉर्म जो है वो इंटर्नशिप के साथ साथ प्लेसमेंट की गारंटी भी दे रहा है। तो यार जाहिर सी बात है वो एक थोड़ा सा उसकी तरफ एक एक्स्ट्रा पॉइंट जाएगा ही जाएगा, राइट। बाकी चीज़ें आपने अपने लेवल पर देखो ना, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन है, गेटिंग माय पॉइंट। फीस देखो, फीस 1,60,000 रुपये ही है जीएसटी के साथ, और इसकी कितनी थी ग्रेट लर्निंग की 2,75,000 प्लस जीएसटी, तो मेरे ख्याल से वो 3.25 लाख 3.5 लाख चला जाएगा। इसकी जीएसटी के साथ मानोगे तो वो 2 लाख तक ही पहुँचेगा या फिर 2 लाख के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है डेटा ट्रेंड का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा रहेगा, जेन्युइन रहेगा आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन या फिर डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो माय डियर कमेंट सेक्शन ओपन है, जाओ अपना सवाल लिखो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ओके। और अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो इसी चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसपे आगे और भी वीडियोज आने वाली है। वेब डेवलपमेंट के साथ अपना करियर स्टार्ट करना है तो दैट प्लेलिस्ट कैन हेल्प यू वेरी वेल, ओके। सी यू देन, आई विल बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।